कहाँ से पीते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा हैवी हैवी सा फील हो रहा है, थोड़ा गिल्टी सा। शायद आपसे मिलने का यही सही वक्त था। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। हाँ भाई, किधर? सर मैं अंश, मेरे को ये रूम अलॉट हुआ है। फ्रेशर? यस सर। जस्सी फर्स्ट ईयर। ओके, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। लेकिन ये वाला बेड मेरा। ये सब आपने बनाई है? भाई मुझ में इतना टैलेंट थोड़ी है यार, मुझे भी कुछ दिन हुए यहाँ पे आए हुए। तो फिर किसने बनाई है? देख देख भाई देख, ये नवनीत सर की, ये सुमित सर की है, ये अभिनव सर की है, और वहां पे हमारा बाथरूम है। यार सुन, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? देख भाई, यहाँ का एक रूल है, जब भी कोई नया जूनियर यहाँ पर आता है तो दूसरा जूनियर का फर्ज बनता है कि उस जूनियर को वो सीनियर से मिलवाए। उसी लिए मैं तुझे ऊपर लेकर आ रहा हूँ। चल आजा आजा, मजा आएगा। एक्सक्यूज मी सर। सर ये नया जूनियर। प्रेशर। हेलो सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम अंश है, आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर आईटी सर। हाँ भाई, कॉलेज लगे हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, इतना लेट आने की कोई वजह? सर मुझे मेरा पेचेक नहीं मिला था और मुझे मेरा मंथ कवर करना था पार्ट टाइम। इंटरेस्टिंग, बढ़िया। पर पापा क्या करते हैं तुम्हारे? सर मेरे पापा नहीं हैं, एक्चुअली मम्मा पापा दोनों ही नहीं है सर। कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी व्हेन आई वाज 4। अगर किसी हेल्प वगैरह की जरूरत हो तो वो बता देना। सर एक क्वेश्चन था सर, ये रैगिंग हो रही थी क्या? नहीं यार। कब, कितने बजे? हाँ ठीक है। किसका फोन था? नहीं कुछ, बस ऐसे फ्रेंड था। कहाँ जाने की बात हो रही है? बस कहीं नहीं, ऐसे ही। मुझे भी ले चल। नहीं। क्यों? नहीं नहीं भाई, तू रहने दे प्लीज यार, ले चलना यार, मेरा यहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं। और भाई इमोशनल ब्लैकमेल ना कर प्लीज यार। नो प्लीज, नहीं प्लीज, नो प्लीज, ना प्लीज। चल सुन मेरी बात, तू यहाँ अपनी मर्जी से आया है, तुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है। ओके तो इधर मैं आया। कम ऑन यार, इतनी लेट। नॉट फेयर। ट्रैफिक कहाँ? मुझे नहीं दिख रहा। ये थर्ड क्लास जोक मारना ना बंद कर और पैसे निकाल जल्दी। ओह।
अच्छा, इसलिए मुझे आने से मना करा था। नहीं यार, मेरा नहीं है। तुझे ट्राई करना है? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुन, सुन सुन। देख भाई, बहुत सिंपल प्रोसेस है, इनहेल और एक्सहेल। भाई सुन तो लेता। अंदर ले, होल्ड कर और बाहर निकाल दे। ठीक है। और अब तक मैं कंप्लीट एडिक्ट बन गया था। ये ना कुछ ऐसा था कि मुझे पता था मैं एक जाल में फंस चुका हूं, पर मजा भी बहुत आ रहा था। इस जाल से निकलना मुश्किल भी बहुत होने वाला था, ये भी पता था मुझे, पर मैंने सोचा जब तक एंजॉयमेंट चल रही है चलने दो। पर फिर एक चीज की कमी होने लगती है। किस चीज की? पैसों की। हाँ भाई, कहाँ था फिर कल? पेंटियर से था। और भाई? बढ़िया भाई, तू बता तू कैसा है? मैं भी बढ़िया भाई। भाई वो पैसे दे दे यार। ओ हाँ, सॉरी यार, मैं भूल गया था। और रहने दे शगुन, मिठा मिठा बोल के तेरे पैसे हड़प लेगा और फिर से बैठ जाएगा कहीं फुकड़े। नहीं यार भाई, सच में पैसों की जरूरत है। हाँ दे 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 शगुन पैसे, इसको पैसे भी इसने उड़ाने तो हैं ये करके। कुछ ज्यादा ही नहीं घुस रहा तू मेरी लाइफ में, औकात मेरे, अपने काम से काम रख। नहीं तो रुक जा भाई, देख इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ हफ्ते पहले इससे पैसे लिए थे। तो अब पैसों का कोई पॉसिबल सोर्स नहीं रहा, पैसों का जुगाड़ तो कैसे भी करना ही था, डेस्परेशन ऑब्वियसली, और इस डेस्परेशन की वजह से अब भूख और भी बढ़ गई थी और दिमाग चल नहीं रहा था। पैसों के लिए तो मैं अब कुछ भी कर सकता था, कुछ भी, जैसे चोरी नहीं, अपना स्टैंडर्ड थोड़ी गिराना था तो कुछ तो करना ही था, स्टैंडर्ड वाला काम, जैसे क्या बात है छोटे, ये सब भी कर लेता तू, हमें तो नहीं पता था। सारी जगह तेरे ही चर्चे हो रहे हैं अब कुछ तो स्पेशल बनता है तेरे लिए। Here's the same thing, but stronger and a little bit expensive.
अंश ये ले तेरे पैसे। मीटिंग पॉइंट 30 मिनट्स। आई हैव द मनी। थोड़ा जल्दी। नॉट इनफ। क्या मतलब नॉट इनफ? बताया तो था थोड़ा महंगा प्रोडक्ट है। अरे प्लीज यार, हम इतने टाइम से डील कर रहे हैं। ऐसे बिजनेस नहीं चलता। प्लीज यार, हम इतने टाइम से डील कर रहे हैं। पागल हो रहा है, घर जा, पैसे कमाओ और फिर आना। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या मैंने तुझे बोला था मुझे ये सब लाके दे? नहीं। पर क्या तूने मना किया था? नहीं ना। तुझे किसी ने फोर्स किया था? नहीं। तो फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर। That's it. That's all. आप शायद पहले हो मैं जिसे ये स्टोरी बता रहा हूँ और शायद आखिरी भी। एक्चुअली मुझे ना बहुत लाइट लाइट सा फील हो रहा है, मन हल्का सा हो गया। आई एम नॉट शेकिंग एनी मोर। लेकिन फिर भी मुझे अपने दिमाग से ये सब तो डिलीट करना ही था हमेशा के लिए, और इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। बट इससे पहले कि आप अपनी थेरेपी वगैरह शुरू करो, मेरा एक सवाल है। पर आप ये सब क्यों करते हो? वो भी हमारे जैसे क्रिमिनल्स के लिए। कोई तो रीजन होगा। आई मीन क्यों? It was my sister. She was raped and murdered.
कोर्ट में भी कुछ प्रूफ नहीं हो सका, सारे एविडेंस गुम कर दिए और उन्हें मेंटली अनस्टेबल करार दिया गया। एंड गेस व्हाट, ठीक करने के लिए भी मुझे ही अपॉइंट किया। कैन यू बिलीव इट, तो मैंने वही किया जो वो डिजर्व करते थे और जो तुम भी डिजर्व करते हो। मिस्टर नील, आई अंडरस्टैंड, बट जो आपके साथ में हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती? तुम्हारा इस दुनिया में जिंदा रहने गलत है। आज एक को मारा है, कल दूसरे को मारोगे, ऐसा कब तक चलेगा? मिस्टर नील, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, आपसे मदद मांगने के लिए। तुम किसी की मदद के लायक नहीं हो। मिस्टर नील, प्लीज स्टॉप इट। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम जैसे क्रिमिनल्स को कैसे ट्रीट करता हूँ, तुम जैसे मर्डरर्स को कैसे ट्रीट करता हूँ। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। उन्हें इस दुनिया से रवाना करके और कहानी कुछ इस तरह खत्म होती है। अब इसके बाद आपको इस कहानी में कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एक डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के बावजूद आप कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, आई मीन इट्स अमेजिंग। आप कहाँ डॉक्टरी करके बैठे हैं? आपको तो राइटर होना चाहिए हमारी तरह। आई मीन क्यों? बस कुछ अधूरी कहानियां पूरी कर रहा था। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन ना करूं, यू नो, जस्ट कीपिंग इट प्योर एंड रियल। मिस्टर नील, एक आखिरी सवाल, क्या ये सच में सिर्फ एक कहानी थी?